कांग्रेस के दो प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन दाखिल। जी हां, ज्योति खंडेलवाल आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं ज्योति खंडेलवाल। जयपुर में नामांकन से पहले उनकी कांग्रेस की जनसभा होने वाली है। जनसभा में सीएम अशोक गहलोत और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अविनाश पांडे और मंत्री रघु शर्मा भी साथ ही रहेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री गहलोत झुंझुनू पहुंचेंगे। झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन में सीएम सहित आला नेता भी साथ ही मौजूद रहने वाले हैं। झुंझुनू के बाद सीएम गहलोत बीकानेर के लूणकरणसर का दौरा करने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें लूणकरणसर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और ऐसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी दिनेश, बताए कौन कहां से नामांकन दाखिल करने वाला है? देखिए लोहिना, आज कांग्रेस के दो उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जयपुर से शहर से कांग्रेस जो उम्मीदवार है ज्योति खंडेलवाल, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी और झुंझुनू से श्रवण कुमार है, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में जयपुर के सिविल लाइन में ज्योति खंडेलवाल की जनसभा हो रही है, वहां पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे और जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है रघु शर्मा, वो भी साथ रहेंगे। फिलहाल ज्योति खंडेलवाल की जो सभा हो रही है सिविल लाइन, उसमें काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट चुकी है। जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, मुख्य सचेतक है महेश जोशी है, सहित तमाम जो जयपुर शहर के विधायक और जो नेतागण है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिनेश, ये बताएं कि ज्योति खंडेलवाल का मुकाबला रामचरण बोहरा से होने वाला है, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है ज्योति खंडेलवाल? दिनेश, ये बताएं ज्योति खंडेलवाल का मुकाबला रामचरण बोहरा से होने वाला है, तो ऐसे में ज्योति खंडेलवाल किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं? कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल को है, तो बीजेपी ने जो सिटिंग एमपी थे वर्तमान सांसद के रामचरण बोहरा, उनको अपना प्रत्याशी बनाया। दोनों प्रत्याशी मैदान में है, फिलहाल दोनों का ही प्रचार वहां पर है। आज नामांकन जो ज्योति खंडेलवाल वो अपने नामांकन दाखिल करेंगे, पार्टियों का प्रचार प्रसार चरम पर है। अभी क्या अपडेट है दिनेश, कितनी देर में सीएम गहलोत पहुंचने वाले हैं? देखिए जो अन्य नेतागण है जयपुर शहर कांग्रेस के, उनका अभी इस बीच चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में सभा स्थल में पहुंचेंगे और कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। दिनेश, क्या आपकी वहां पे किसी से बात हो पाई है? वहां के आम जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए लोहिना, सॉरी, यहाँ पर जो सभा स्थल है वहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, चाहे जयपुर शहर की जनता, जब बात की जाए तो ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सभा स्थल पर पहुंची हैं। साथ ही जयपुर शहर जब ज्योति खंडेलवाल मेयर रही तो उनके विकास कार्य किए गए, उन विकास कार्यों को जनता बता रही है। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दे, आज ज्योति खंडेलवाल अपना नामांकन दाखिल करने वाली है और ऐसे में इससे पहले एक जनसभा भी होने वाली है।